तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। आईयूपीएसी नामकरण के अंदर हमें आज देखना है बच्चों बहुबंध वाले यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण, और साथ साथ अगर समय बचता है तो हम क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण भी देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के। तो बच्चों मैंने पिछली क्लास में आपको कई यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण बताए थे, मुख्य रूप से एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण मैंने आपको बताए थे। आज बच्चों हम थोड़ा और एग्जांपल देखेंगे, लेकिन उन और एग्जांपल को देखने के लिए सबसे पहले हम रूल्स लिख लेते हैं, नियम लिख लेते हैं। तो अभी तक हमने बच्चों जो नियम पढ़े हैं वो नियम क्या क्या है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलो तो बताओ नियम क्रमांक 1 क्या है। सबसे पहले जब आप किसी भी कार्बनिक यौगिक को देखते हो तो कार्बनिक यौगिक को देखने पर सबसे पहले क्या कार्य करना चाहिए, नियम क्रमांक 1 क्या बोलता है। नियम क्रमांक 1 बोलता है सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। किसका चयन करना है बेटा, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना। समझ में आया। सबसे पहला नियम है बच्चों जैसे ही आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख जाए उसका आईयूपीएसी नाम करने के दौरान मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप यहां पे कर सकते हैं अंकन, नंबरिंग कर सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं नंबरिंग, अंकन कर सकते हैं। तीसरा आप यहां पर बच्चों, तीसरा जो स्टेप हमें यहां पर करना है वो है नामकरण का बेटा। कौन सा है, नामकरण का। तो तीसरा स्टेप हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, नामकरण का। इन तीनों के अंदर मैंने बेटा आपको नियम बता रखे हैं मुख्य श्रृंखला का चयन कैसे करना है। चलो तो आप मुझे बताओ मुख्य श्रृंखला के चयन में सबसे पहले क्या होता है, बताइए। मुख्य श्रृंखला का चयन करने के दौरान सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, मुख्य श्रृंखला में कौन सी मुख्य श्रृंखला का हम चयन करते हैं सबसे पहले, अधिक संख्या में मुख्य क्रियात्मक समूह, अधिक संख्या में मुख्य क्रियात्मक समूह वाली कार्बन की श्रृंखला को ही हम मुख्य श्रृंखला मानते हैं। अच्छा इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं अधिक संख्या में बहुबंध वाली कार्बन श्रृंखला। उसके बाद हम देखते हैं अधिक संख्या में बहुबंध वाली कार्बन श्रृंखला, इसका चयन करते हैं। अच्छा बहुबंध के बाद हम क्या देखते हैं बेटा, उसके हम देखते हैं सबसे ज्यादा संख्या में कार्बन, सबसे ज्यादा संख्या में कार्बन वाली कार्बन श्रृंखला, इसकी हम बात करते हैं। फिर हम देखते हैं बेटा जब दो या तीन जगहों से कार्बन संख्या भी दो अलग अलग श्रृंखलाओं में समान हो तो फिर हम देखते हैं अधिक संख्या में प्रतिस्थापी, किस कार्बन श्रृंखला में अधिक संख्या में प्रतिस्थापी। जब कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी भी दो या दो से ज्यादा श्रृंखलाओं में समान हो तो फिर हम जाते हैं किस पर, अंकन पर। तो ये है बच्चों मुख्य श्रृंखला के चयन का नियम। तो इसको आप नोट कर लो जल्दी से। चलिए तो यहां तक आपने नोट कर लिया, सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह, जहां पे भी सबसे ज्यादा संख्या में मुख्य क्रियात्मक समूह वही मुख्य कार्बन श्रृंखला, फिर बहुबंध, फिर आपको देखने हैं ज्यादा संख्या में कार्बन, फिर अधिक संख्या में प्रतिस्थापी, फिर अंकन। दूसरा हम करते हैं बच्चों अंकन, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, अंकन। अंकन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं बेटा, अंकन में सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम
मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंकन। जो पहला क्रियात्मक समूह है ना बेटा, सबसे प्रथम मुख्य क्रियात्मक समूह जो होगा उसको निम्नतम अंकन। उसके बाद हमें देखना है सभी मुख्य क्रियात्मक समूहों के लिए, सभी मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए निम्नतम अंकन समूह। क्या देखना है बेटा? निम्नतम अंकन समूह ये देखना है बेटा। इसके बाद हमें चेक करना होता है बेटा, प्रथम बहुबंध के लिए निम्नतम अंकन। उसके बाद हमें देखना होता है बेटा बहुबंधों के सभी समूहों के लिए निम्नतम अंकन समूह, निम्नतम अंकन समूह, बहुबंधों के सभी समूह के लिए निम्नतम अंकन समूह ये देखना होता है बेटा हमें। यहां तक की बात समझ में? इसके बाद हमें देखना है बेटा प्रथम प्रतिस्थापी के लिए निम्नतम अंकन समूह। अगर ये नियम याद होंगे तभी हम आयुपीएसी नामकरण अच्छे से कर पाएंगे। प्रथम प्रतिस्थापी के लिए निम्नतम अंकन सम। इसके बाद हमें देखना होता है प्रतिस्थापियों के सभी समूहों के लिए निम्नतम अंकन सम। क्लियर? इसके बाद हमें देखना होता है द्विबंध, फिर देखना होता है त्रिबंध, और फिर हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। क्या देखते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। हमेशा ध्यान रखना द्विबंध और त्रिबंध में द्विबंध को हम पहले वरीयता देते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये है कुछ नियम जो कि हमें ध्यान रखने। जैसे ही हमें नियम याद हो जाते हैं तो अंकन का नियम और मुख्य क्रियात्मक समूह का नियम, जैसे ही हमें नियम याद हो जाए तो बस उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद हमें अब नामकरण लिखने में कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अब आते हैं सबसे पहले उदाहरण नंबर फर्स्ट, आज का पहला उदाहरण। चलिए आज का पहला उदाहरण हम लिखेंगे। मान लीजिए आपको दे रखा है CH2 द्विबंध CH CH2 CH3 ये दे रखा है यौगिक। चलिए इसका हमको क्या करना है? आयुपीएसी नामकरण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मुख्य श्रृंखला का चयन। सबसे पहला स्टेप मुख्य श्रृंखला का चयन। मुख्य श्रृंखला के चयन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? उस श्रृंखला का चयन करना जिसमें सबसे ज्यादा क्रियात्मक समूह हो, लेकिन इस कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह नहीं है। चलो तो फिर हम क्या देखेंगे? उस श्रृंखला का चयन जिसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं? बहुबंध होते हैं। बिल्कुल यहां पर इस कार्बन श्रृंखला में एक द्विबंध उपस्थित है, एक द्विबंध उपस्थित है, तो बहुबंध की संख्या यहां पर है। तो भैया इसी कार्बन श्रृंखला को हम मुख्य श्रृंखला मानेंगे। एक ही कार्बन श्रृंखला जो है वही मुख्य हो जाएगी। भैया एक ही कार्बन श्रृंखला है, जो कार्बन श्रृंखला आपको यहां पर दिखाई दे रही है वही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। चलो कार्बन श्रृंखला के चयन के बाद में फिर हम करते हैं अंकन। क्या करते हैं? अंकन। क्रियात्मक समूह तो यहां पर कहीं है नहीं,
क्रियात्मक समूह नहीं है। तो फिर हम देखते हैं बहुबंध। बहुबंध के लिए निम्नतम अंकन, बहुबंध के लिए निम्नतम अंकन। चलो इस बहुबंध को निम्नतम अंक 1, 2, 3, 4, 1 से छोटा अंक तो कुछ भी नहीं हो सकता भैया। किसी भी कार्बन श्रृंखला में बहुबंध को 1 से छोटा अंक तो कुछ नहीं मिल सकता, यही हो जाएगा अंकन। अंकन के बाद अब तीसरा क्या करना है, मुख्य श्रृंखला का चयन हो गया, अंकन हो गया, अब तीसरा हमको नामकरण करना। नामकरण कैसे करते हैं? नामकरण का मैंने तरीका बताया था, सबसे पहले आता है क्या, मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब होता है बेटा कार्बन श्रृंखला में, मुख्य कार्बन श्रृंखला जो है उस मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए मूल शब्द आ जाएगा बेटा ब्यूट। क्या आ जाएगा? ब्यूट आ जाएगा। चलो मूल शब्द के बाद हम लिखते हैं अनुलग्न प्रथम। अनुलग्न प्रथम क्या आता है, चारों कार्बन के बीच में क्या है, द्विबंध है। तो द्विबंध के लिए अनुलग्न क्या आता है, द्विबंध के लिए अनुलग्न आता है इन। तो द्विबंध के लिए हम अनुलग्न लिखते हैं इन लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं? इन लिखते हैं। फिर आता है अनुलग्न द्वितीय। अनुलग्न द्वितीय जो आता है बेटा ये मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए आता है, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए आता है। इस पूरी कार्बन श्रृंखला में मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं, इस कार्बन श्रृंखला में मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, मतलब कि अनुलग्न द्वितीय हमें नहीं लिखना है। समझ में आया? चल फिर हम बात करते हैं यहाँ पे पूर्व लग्न प्रथम की। पूर्व लग्न प्रथम किसके लिए होता है बेटा? पूर्व लग्न प्रथम होता है चक्रीय कार्बन श्रृंखला के लिए, लेकिन यहाँ पे कार्बन श्रृंखला चक्रीय नहीं है। चल उसके बाद हम लिखते हैं पूर्व लग्न द्वितीय। बताओ पूर्व लग्न द्वितीय किसके लिए होता है, बताओ बताओ। पूर्व लग्न द्वितीय होता है प्रतिस्थापी के लिए। किसके लिए होता है बेटा? ये होता है प्रतिस्थापी के लिए। किसके लिए होता है बच्चा? प्रतिस्थापी के लिए। यहाँ पे प्रतिस्थापी कोई दिखाई दे रहा ना जी? ना, यहाँ पे प्रतिस्थापी नहीं है। पूर्व लग्न द्वितीय भी नहीं आएगा, मतलब कि इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन हो जाएगा। और यहाँ पे द्विबंध के लिए न्यूनतम अंक क्या है, 1, तो ब्यूट 1 इन ये नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे ब्यूट 1 इन ये नाम लिखते हैं। अच्छा कई लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं 1 ब्यूटीन ऐसा भी लिखते हैं, कई लोग ब्यूट 1 इन को 1 ब्यूटीन भी लिखते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा इसको अंग्रेजी में लिखना है तो अंग्रेजी में ऐसा लिखते हैं ब्यूट 1 इन ऐसा नाम हो जाए। चलो उदाहरण नंबर दो। चलो CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। चलो इसका नामकरण हम करते हैं। अगर मैं इस यौगिक की बात करूं तो इस यौगिक के नामकरण में सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, जो कार्बन श्रृंखला हमें दिखाई दे रही है वही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। जो कार्बन श्रृंखला मुझे दिखाई दे रही है वही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। एक ही तो कार्बन श्रृंखला है भाई, यहाँ पे कितनी कार्बन श्रृंखला दिखाई दे रही है, 1 सीधी, जो 4 कार्बन की श्रृंखला है वही मुख्य कार्बन श्रृंखला। चलो उसके बाद क्या करना है, अंकन। अंकन कर दो 1, 2, 3, 4। आप यहाँ पे 1 लिखोगे तब भी इस द्विबंध के कार्बन को निम्नतम 2 मिलेगा, आप यहाँ पे 1 लिखोगे तब भी इस द्विबंध के कार्बन को 2 मिलेगा। यहां से शुरुआत करो तब भी द्विबंध के कार्बन को निम्नतम 2 मिलेगा, यहां से शुरुआत करो तब भी द्विबंध के कार्बन को निम्नतम 2 मिलेगा। कहीं से भी अंकन कर सकते हो, अंकन कहीं से भी कर लो। चलो अंकन हो गया। अंकन के बाद नामकरण। नामकरण कैसे करते हैं बेटा? नामकरण करते हैं मूल शब्द। मूल शब्द के बाद अनुलग्न प्रथम। अनुलग्न प्रथम के बाद अनुलग्न द्वितीय। अनुलग्न द्वितीय के पहले यहाँ पे पूर्व लग्न प्रथम। पूर्व लग्न प्रथम से पहले आ जाएगा पूर्व लग्न द्वितीय। क्या हो जाएगा? पूर्व लग्न द्वितीय हो जाएगा। चलो मूल शब्द, 4 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या होता है? 4 कार्बन के लिए मूल शब्द होता है बेटा ब्यूट। क्या होता है?
ब्यूट। अनुलग्न प्रथम, जब द्विबंध होगा तो द्विबंध के लिए अनुलग्न प्रथम क्या आएगा? इन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। ये इन कौन से नंबर पे है? दो पर, तो ये टू पर इन आ जाएगा, ब्यूट टू इन। अनुलग्न द्वितीय किसके लिए आता है? मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। यहाँ पे कोई मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है। पूर्व लग्न प्रथम किसके लिए आता है? चक्रीय कार्बन श्रृंखला के लिए। यहाँ पे कार्बन श्रृंखला चक्रीय नहीं है। पूर्व लग्न द्वितीय किसके लिए आता है? प्रतिस्थापी के लिए। यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी नहीं है। समझ में आया? नाम हो जाएगा ब्यूट ट्विन, और अगर कोई अंग्रेजी में लिखना चाहता है तो ब्यूट टू इन, ये नाम हो जाएगा। अच्छा, कई लोग इसको टू ब्यूटिन भी लिखते हैं, कई लोग इसको टू ब्यूटिन भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं कई लोग। तो कहने का मतलब ये बेटा कि मैं बार बार ये चीज लिखूंगा ना तो आपको याद हो जाएगा। कोई बता सकता है मुझे कि मैं बार बार ये क्यों लिखता हूं? कोई भी बच्चा लाइव चैट में मुझे एक बार कमेंट करके बताए कि सर आप ये बार बार क्यों लिखते हो? सर आप ये यहाँ पे भी लिखे, आप यहाँ पे भी लिख रहे हो, जो पिछली क्लास हुई थी पिछली क्लास में भी आपने हर एग्जाम्पल में ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, बार बार क्यों लिखते हो आप? क्यों लिखते हो बार बार? मजा आता है क्या आपको लिखना? अरे नालायकों, मुझे मजा नहीं आता। तुम्हें पढ़ाने में आसानी हो जाएगी, तुम्हें सीखने में आसानी होगी। चलो उदाहरण नंबर तीन, ये तुम्हारे लिए क्लास है भैया, हमारे लिए नहीं, ठीक है? उदाहरण नंबर तीन। चलो तीसरा उदाहरण क्या आएगा बेटा? CH2 द्विबंध CH, CH द्विबंध CH2। चलो इस एग्जांपल की बात करें। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। मुख्य कार्बन श्रृंखला के चयन में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि जो कार्बन श्रृंखला हमें दिखाई दे रही है वही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। यहाँ पर एक ही कार्बन श्रृंखला मुझे दिखाई दे रही है, जो है वही मुख्य हो जाएगी। चलो मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाद बेटा अंकन, दूसरा हम करते हैं अंकन। अगर मैं यहां पे एक लिखूं, यहां दो लिखूं, यहां तीन लिखूं, यहां चार, तो देखो इस द्विबंध का निम्नतम अंक क्या है? दो, एक, और इस द्विबंध का निम्नतम अंक क्या है? तीन। तो द्विबंध को अंक क्या मिल रहा है? एक तीन। क्या मिल रहा है? एक तीन। और अगर मैं यहाँ पे एक लिखूं, यहाँ दो लिखूं, यहाँ तीन लिखूं, यहाँ चार, तो यहाँ पे द्विबंध को निम्नतम अंक क्या मिल रहा है? एक। यहाँ पे द्विबंध को निम्नतम अंक, इस द्विबंध को निम्नतम अंक क्या मिल रहा है? तीन। यहां से भी हो जाएगा एक तीन। क्लियर? ये एक तीन और ये एक तीन, कोई भी ले सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी निम्नतम, ये भी, दोनों समान है, किसी को भी ले लो। चलो तो अंकन हो गया। अंकन के बाद अब नामकरण। नामकरण में सबसे पहले क्या आता है? मूल शब्द। क्या आता है बच्चा? मूल शब्द। मूल शब्द किस चीज के लिए होता है? मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है बताओ? मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? मुख्य कार्बन श्रृंखला में चार कार्बन है। चार कार्बन के लिए मूल शब्द होता है ब्यूट। क्या होता है बेटा? ब्यूट। मूल शब्द के बाद आता है अनुलग्न प्रथम। क्या आता है बेटा? अनुलग्न प्रथम। अनुलग्न प्रथम किसके लिए होता है? एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध के लिए। यहाँ पे दो दो द्विबंध है, एक द्विबंध और दो द्विबंध, यहाँ पे दो द्विबंध है। दो द्विबंध के लिए यहाँ पे क्या आएगा? डाई इन। दो द्विबंध के लिए यहाँ पे डाई इन आएगा बेटा। अच्छा, और दोनों द्विबंधों का अंक क्या है? इस वाले द्विबंध का एक है निम्नतम, और इस वाले द्विबंध का तीन है, एक और तीन, यहां आ जाएगा एक तीन, ये हो जाएगा निम्नतम अंक। चलो अनुलग्न प्रथम के बाद अनुलग्न द्वितीय। अनुलग्न द्वितीय आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये होता है मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह है ही नहीं, मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो अनुलग्न द्वितीय नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आता है पूर्व लग्न प्रथम। पूर्व लग्न प्रथम किसके लिए आता है? पूर्व लग्न प्रथम आता है चक्रीय कार्बन श्रृंखला के लिए। यहाँ पे कार्बन श्रृंखला चक्रीय नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। फिर आता है पूर्व लग्न द्वितीय। पूर्व लग्न द्वितीय जो होता है वो प्रतिस्थापी के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रतिस्थापी
प्रतिस्थापी के लिए, किसके लिए होता है प्रतिस्थापी के लिए। क्या यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी है? ना, यहाँ पे प्रतिस्थापी नहीं है। मतलब किस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1,3-डाइईन, ये नाम हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ब्यूट 1,3-डाइईन। अब यहाँ पे एक नई सूचना है, एक नई इंफॉर्मेशन है, वो आपको ध्यान रखनी बेटा, एक नई इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी। यदि कभी भी ऐसा हो जाए कि द्विबंध दो या दो से ज्यादा हो, यदि कभी भी ऐसा हो जाए कि ये द्विबंध, यदि द्विबंध दो या दो से ज्यादा हो, कभी भी ऐसा किसी यौगिक में आप देखते हो, यदि मुख्य श्रृंखला में द्विबंध दो या दो से ज्यादा है, यदि मुख्य श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध, यदि मुख्य श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध दो या दो से ज्यादा हो, तब मूल शब्द के पीछे ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। जैसे कि ब्यूट 1,3-डाइईन, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं ब्यूट 1,3-डाइईन, ये लिखते हैं। लेकिन यहां पे द्विबंध दो बार है, तो ये मूल शब्द के पीछे यहां पे ए लगाना है। मूल शब्द के पीछे क्या लगाना है? ए। तो ब्यूटा, तो यहां पे ब्यूटा ये हो जाएगा। मूल शब्द के पीछे ए लगाना है, ब्यूटा हो जाएगा, ब्यूटा 1,3-डाइईन ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, मूल शब्द के पीछे ए लगाते हैं, ब्यूटा हो जाएगा बेटा। जब भी द्विबंध या त्रिबंध दो या दो से ज्यादा आते हैं, तो मूल शब्द के पीछे ब्यूटा ए लगता है बेटा। चलो ये ध्यान रखना है। चलो अगला उदाहरण नंबर 4, CH2 द्विबंध CH, CH2 CH, CH3, इसको सॉल्व करो। एग्जाम्पल 3-4। चलो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, ये रही मुख्य कार्बन श्रृंखला, बहुत बढ़िया, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला। फिर हम क्या करते हैं? अंकन वहां से करना है जहां पे बहुबंध को निम्नतम मिलता हो। अंकन का क्या नियम है? देखो, अंकन के लिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह। लेकिन क्रियात्मक समूह नहीं है तो हमें जाना होगा बहुबंध पे। प्रथम बहुबंध को निम्नतम अंक देना है, पहले बहुबंध को निम्नतम अंक देना है। पहला बहुबंध, इसको निम्नतम अंक 1 मिल गया। अगर मैं यहां पे 1 लिखूंगा तो ये पहले बहुबंध को निम्नतम अंक 2 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? 2। तो प्रथम बहुबंध को निम्नतम अंक 1 मिलता है, मतलब कि ये वाला नंबर सही हो जाएगा। यहां पे प्रथम बहुबंध को 2 मिलता है, ये गलत हो जाएगा। चलो तो ये 1 आ गया। चलो अंकन हो गया। अब अंकन के बाद क्या? नामकरण। नामकरण में सबसे पहले क्या? मूल शब्द। बहुत अच्छी बात है। मूल शब्द में बेटा क्या आता है? पांच कार्बन की श्रृंखला के लिए मूल शब्द आता है पेंट, इसको हम लिखते हैं पेंट। चलो बहुत अच्छी बात है, पांच कार्बन की श्रृंखला में मूल शब्द पेंट, बहुत बढ़िया। पेंट के बाद पहले और तीसरे कार्बन पर, पहले पर इन है और तीसरे पर इन है। चलो मूल शब्द के बाद अनुलग्न प्रथम। अगर द्विबंध है तो द्विबंध के लिए अनुलग्न क्या आएगा? द्विबंध के लिए अनुलग्न आएगा बच्चा इन आएगा बेटा। क्या आएगा? इन। यहाँ पे कितने इन है? 2। यहाँ पे 2 इन है, तो यहाँ पे हो जाएगा डाई इन हो जाएगा, डायन नहीं, डाई इन। तो पेंट डाई इन हो जाएगा। अच्छा, और ये दोनों इन किस पर है? पहले पर और तीसरे पर, पहले और तीसरे पर हो जाएगा डाई इन। तो नाम हो जाएगा पेंट 1,3-डाइईन। क्या नाम हो जाएगा बेटा? पेंट 1,3-डाइईन। अच्छा, यहां पे एक बात और ध्यान रखो, यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में द्विबंध 2 या 2 से ज्यादा हो, त्रिबंध 2 या 2 से ज्यादा हो,
तो जब भी द्विबंध या त्रिबंध दो या दो से ज्यादा हो तो मूल शब्द के पीछे ए लगाते हैं, तो मूल शब्द के पीछे यहां पे ए लगाते, पेंटा क्या हो जाएगा, पेंटा, इसका नाम हो जाएगा पेंटा 1,3-diene। चलो अनुलग्न द्वितीय क्या आएगा यहां पे, अनुलग्न द्वितीय आता है मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए, मुख्य क्रियात्मक समूह यहां पर नहीं है, अनुलग्न द्वितीय यूज नहीं करना है। फिर आता है पूर्व लग्न प्रथम, पूर्व लग्न प्रथम आता है बेटा चक्रीय श्रृंखला के लिए, किसके लिए आता है, चक्रीय श्रृंखला के, यहां पे चक्रीय श्रृंखला नहीं है तो पूर्व लग्न प्रथम नहीं आएगा। फिर आता है पूर्व लग्न द्वितीय, पूर्व लग्न द्वितीय किसके लिए आता है, प्रतिस्थापी के लिए, पूर्व लग्न द्वितीय आता है प्रतिस्थापी के लिए। क्या यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी है, ना जी ना, यहाँ पे प्रतिस्थापी नहीं है, मतलब कि नाम आ जाएगा पेंटा 1,3-diene, ये हो जाएगा बेटा नाम। चलिए अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 5, ठीक है। चलिए अब बच्चों मैं आपको कुछ ऐसे प्रतिस्थापियों के नाम बताने वाला हूं जो कि शाखित प्रतिस्थापी हैं। चलो मैं यहाँ पे आपको हेडिंग लिखवा देता हूँ, कुछ शाखित प्रतिस्थापियों के नाम मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको लिखवाने वाला हूँ बेटा शाखित प्रतिस्थापी का नामकरण। अगर मान लो कोई प्रतिस्थापी शाखित हो जाए तो शाखित प्रतिस्थापी का नामकरण क्या होगा वो हम देखने वाले बेटा, ठीक है। चलो मान लो बेटा कोई प्रतिस्थापी आपको ये दे रखा, इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है, इस प्रतिस्थापी को हम बोलते हैं एथिल, क्या बोलते हैं बेटा एथिल, इस प्रतिस्थापी को बोलते हैं एथिल, इस प्रतिस्थापी को क्या बोलते हैं, इस प्रतिस्थापी को हम बोलते हैं बेटा एथिल, इस प्रतिस्थापी को हम बोलते हैं एथिल। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि इस प्रतिस्थापी में एक शाखा निकल जाए, इस प्रतिस्थापी में मैंने लिख दी एक शाखा, ये एक प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी में मैंने यहां पे निकाल दी एक शाखा, इसे हम बोलते हैं बेटा शाखित प्रतिस्थापी, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, शाखित प्रतिस्थापी। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इस प्रतिस्थापी का नाम कैसे लिखें, तो ध्यान रखना बच्चों अगर आपको मैंने ये वाला प्रतिस्थापी दे रखा है तो इस प्रतिस्थापी को हम बोलते हैं सामान्य प्रतिस्थापी, ये एक सामान्य प्रतिस्थापी है जिसमें कोई शाखा निकली हुई नहीं है। लेकिन मान लो बेटा मैंने आपको यहां पर एक शाखा निकाल करके दे दी, ये आ गई एक शाखा, प्रतिस्थापी के अंदर शाखा निकल गई, इसको हम बोलते हैं शाखित प्रतिस्थापी, क्या बोलते हैं बेटा शाखित प्रतिस्थापी। तो इस शाखित प्रतिस्थापी का नाम एथिल तो नहीं होगा, कुछ और होगा, क्या होगा वो हमें सीखना है। चलो इसी प्रकार से मान लो बेटा मैंने आपको कोई प्रतिस्थापी दे दिया, ये देखो ये प्रतिस्थापी, इस प्रतिस्थापी के पास कितने कार्बन है, एक दो तीन, मान लो तीन कार्बन वाला आपको कहीं प्रतिस्थापी दिया हुआ है, तीन कार्बन वाले प्रतिस्थापी को हम क्या बोलते हैं प्रोपिल, क्या बोलते हैं प्रोपिल, क्या बोलते हैं प्रोपिल, तीन कार्बन वाला प्रतिस्थापी होता है बेटा प्रोपिल। लेकिन मान लो इस तीन कार्बन वाले प्रतिस्थापी में आपने कहीं शाखा निकाल दी, मान लो तीन कार्बन वाले इस प्रतिस्थापी में यहां पे आपने निकाल दी शाखा, ये क्या बन जाएगा शाखित प्रतिस्थापी, क्या बन जाएगा बेटा शाखित प्रतिस्थापी। मान लो बच्चों इसी शाखित प्रतिस्थापी में ये तीन कार्बन वाला जो प्रतिस्थापी है, इस प्रतिस्थापी मान लो यहां शाखा निकाल दी, पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा, मान लो दूसरे कार्बन पे शाखा निकाल दी, ये क्या हो जाएगा बेटा शाखित प्रतिस्थापी, समझ में। या हो सकता है बेटा मैंने ये जो आपको तीन कार्बन का प्रतिस्थापी दिया है
इस तीन कार्बन के प्रतिस्थापन में हो सकता है ये पहला, दूसरा, तीसरा। तीन कार्बन के प्रतिस्थापन में हो सकता है ये दूसरे कार्बन पर मैंने आपको क्या दे दी, शाखा दे दी। दूसरे कार्बन पर मैंने दो दो शाखाएं दे दी, ये दो दो शाखा, ये भी क्या हो जाएगा, शाखित प्रतिस्थापी। तो ऐसे प्रतिस्थापियों के हमको क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं बेटा, क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। ऐसे प्रतिस्थापी के हमको क्या लिखने हैं बेटा, नाम लिखने हैं। समझ में आया, चलो इनके आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं, चलो इस शाखित प्रतिस्थापी का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं बेटा, आइए देखते हैं। तो देखो दो कार्बन वाले प्रतिस्थापी को हम क्या बोलते हैं बेटा, दो कार्बन वाले प्रतिस्थापी का नाम होता है एथिल। इसको कैसे लिखना है बेटा, ध्यान से देखें, यहां पे दो कार्बन वाले प्रतिस्थापी को हम बोलते हैं एथिल, क्या बोलते हैं, एथिल। दो कार्बन वाले प्रतिस्थापी को हम बोलते हैं एथिल। इस दो कार्बन में पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, पहले कार्बन पे क्या लगाओ, मेथिल, तो नाम क्या हो जाएगा, वन मेथिल एथिल, इसका नाम हो जाएगा वन मेथिल एथिल, क्योंकि पहले कार्बन पे लगा हुआ है मेथिल, क्या लगा हुआ बेटा पहले कार्बन पे, मेथिल। तो इस दो कार्बन वाले प्रतिस्थापी को हम बोलते हैं एथिल, और इस एथिल के पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मेथिल, तो वन मेथिल एथिल इसका नाम हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनना है, यहाँ पे ये जो प्रतिस्थापी है, इस दो कार्बन वाले प्रतिस्थापी को क्या बोलते हैं, दो कार्बन वाले प्रतिस्थापी को, दो कार्बन वाले प्रतिस्थापी को हम बोलते हैं एथिल, लेकिन जैसे ही मैं पहले कार्बन पे शाखा निकाल दूं मेथिल, तो ये हो जाएगा वन मेथिल एथिल। पहले कार्बन पे शाखा है वन मेथिल, और किस पर, एथिल पर, वन मेथिल एथिल हो जाएगा। चले अब बात करते हैं इसकी, चलो ये तीन कार्बन वाले प्रतिस्थापी को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपिल। तीन कार्बन वाले इस प्रतिस्थापी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपिल। यदि किसी प्रतिस्थापी में कार्बन की संख्या तीन हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपिल। तीन कार्बन वाले प्रतिस्थापी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपिल बोलते हैं। लेकिन इस तीन कार्बन वाले प्रतिस्थापी में पहले कार्बन पे क्या लगाओ, मेथिल, तो इसको हम बोलते हैं वन मेथिल प्रोपिल। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, वन मेथिल प्रोपिल। चलो इसके बाद करते हैं, तीन कार्बन वाले प्रतिस्थापी को हम क्या बोलते हैं, तीन कार्बन वाले प्रतिस्थापी को हम बोलते हैं प्रोपिल। क्या बोलते हैं, प्रोपिल। तीन कार्बन वाले प्रतिस्थापी को प्रोपिल बोलते हैं। इसमें दूसरे कार्बन पे क्या लगाओ, मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा टू मेथिल प्रोपिल, टू मेथिल प्रोपिल हो जाएगा। समझ में, चलो फिर यहां पर ये कितने कार्बन का प्रतिस्थापी है, एक दो तीन, तीन कार्बन का प्रतिस्थापी, तीन कार्बन के प्रतिस्थापी को क्या बोलते हैं, प्रोपिल। क्या बोलते हैं, तीन कार्बन के प्रतिस्थापी को हम बोलते हैं प्रोपिल। ये देखो एक दो तीन, तीन कार्बन का प्रतिस्थापी प्रोपिल, और दूसरे कार्बन पे अगर मान लो मैंने दो मिथाइल लगा दी, दूसरे कार्बन पे दो मिथाइल, तो दूसरे कार्बन पर क्या है, दो मेथिल लगा दी मैंने, तो दूसरे कार्बन पर दो मेथिल, डाई मेथिल आ जाएगा, तो दूसरे दूसरे कार्बन पर दो मेथिल, कितने मेथिल, इस दूसरे कार्बन पर मेथिल, मेथिल टू टू डाई मेथिल, टू टू डाई मेथिल इसका नाम आ जाएगा। इस तरह से बच्चों शाखित प्रतिस्थापी के नाम लिख सकते हैं। अच्छा इस शाखित प्रतिस्थापी का ये क्या हो जाएगा, ये आईयूपीएसी नाम है बेटा, ये सबके क्या है, आईयूपीएसी नामकरण, इन सबके आईयूपीएसी नामकरण, ये क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नामकरण। समझ में, अच्छा इनके कॉमन नेम भी होते हैं बेटा, सामान्य नाम भी होते हैं, इन प्रतिस्थापियों के कुछ सामान्य नाम भी होते हैं। इस प्रतिस्थापी का सामान्य नाम होता है बेटा आइसोप्रोपिल बोलते हैं। इस प्रतिस्थापी का सामान्य नाम क्या होता है, आइसोप्रोपिल। याद रखना है इसको, हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ये याद रखना है बेटा, इसको याद रखना है। इस प्रतिस्थापी का सामान्य नाम होता है आइसोप्रोपिल। इस वाले प्रतिस्थापी वन मेथिल प्रोपिल, इसका सामान्य नाम होता है द्वितीय ब्यूटिल,
या सेकेंडरी ब्यूटिल, क्या होता है सेकेंडरी ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल या सेकेंडरी ब्यूटिल, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसका सामान्य नाम होता है, इसको हम आइसोब्यूटिल बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटिल, क्या बोलते हैं आइसोब्यूटिल, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल। इसमें एक दो तीन टोटल तीन कार्बन है तो आइसोप्रोपिल, इसमें एक दो तीन टोटल चार कार्बन है तो आइसोब्यूटिल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका सामान्य नाम होता है बेटा नियोपेंटिल, क्या नाम होता है इसका सामान्य नाम, नियोपेंटिल, याद रखने बेटा ये सारे याद रखने, ठीक है, जितने भी सामान्य नाम है इन सब सामान्य नामों को आपको याद रखना है, ठीक है, नियोपेंटिल ये हो जाएगा, क्लियर। चलो अच्छा मान लो बेटा यहां पे ऐसा दे रखा होता CH3C, अच्छा दो कार्बन वाले प्रतिस्थापी को क्या बोलते हैं, दो कार्बन वाले प्रतिस्थापी को हम बोलते हैं एथिल बोलते हैं, दो कार्बन वाला प्रतिस्थापी क्या होता है एथिल, ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, लेकिन मान लो इस दो कार्बन वाले प्रतिस्थापी पे दो शाखाएं निकल जाए, ऐसे दो शाखाएं निकल गई, तो पहले कार्बन पे क्या हो जाएगा, पहले कार्बन पे एक दो दो मिथाइल, तो ये हो जाएगा डाई मेथिल एथिल, इसको हम क्या बोलेंगे डाई मेथिल एथिल, और डाई मेथिल ये दोनों मिथाइल किस पे लगे हुए फर्स्ट कार्बन पे, तो इसको हम बोलेंगे 1-1 डाई मेथिल एथिल, इसका नाम क्या होगा 1-1 डाई मेथिल एथिल, ये हो जाएगा इसका IUPAC नामकरण। चलो अब हम बात करेंगे कॉमन नेम की, सामान्य नाम, सामान्य नाम की बात करें, इसका सामान्य नाम है तृतीयक ब्यूटिल बेटा, इसका सामान्य नाम क्या है, इसको हम तृतीयक ब्यूटिल बोलते हैं, इसको हम तृतीयक ब्यूटिल बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल, क्या बोलते हैं बेटा इसको, टर्शियरी ब्यूटिल, तो ये सामान्य नाम है बेटा, याद जरूर रखना, टर्शियरी ब्यूटिल सामान्य नाम, तृतीयक ब्यूटिल। तो ये बच्चों कुछ शाखित प्रतिस्थापियों के नाम है जो कि आपको ध्यान रखना है। चलो अब आते हैं बच्चों अगले उदाहरण पे, उदाहरण चार था, अब आते हैं उदाहरण पांच पे, उदाहरण चार के बाद उदाहरण पांच, देखो कितने उदाहरण कर लिए हमने, उदाहरण चार तक कर लिए, अब उदाहरण चार के बाद उदाहरण पांच पे आएंगे, क्लियर। चलो उदाहरण पांच कैसे लिखना है, चलिए उदाहरण पांच हम लिखेंगे CH2 C CH C CH। चलो इसकी हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। अगर मैं इस यौगिक की बात करूं तो इसमें सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला ये हो जाएगी, इस मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, चार कार्बन, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। मुख्य कार्बन श्रृंखला के चयन के बाद अंकन करते हैं, अंकन यहां से करोगे तब भी बहुबंध को एक मिलेगा, अंकन यहां से करोगे तब भी बहुबंध को एक मिलेगा, ये भी बहुबंध है और ये भी बहुबंध है, द्विबंध को भी बहुबंध बोलते हैं और त्रिबंध को भी बहुबंध बोलते हैं, द्विबंध भी बहुबंध है और त्रिबंध भी बहुबंध है, दोनों बहुबंध है, बात क्लियर भाई, वो भी बहुबंध है और त्रिबंध भी क्या है, त्रिबंध भी बहुबंध है, मतलब कि इस बहुबंध को भी एक मिलेगा, इस बहुबंध को भी एक मिलेगा, जब त्रिबंध और द्विबंध दोनों बहुबंधों को एक एक मिलता हो तो फिर किसको हम चयन करें, उसको एक ले या फिर इसको एक ले, तो मैंने आपको बता रखा है द्विबंध और त्रिबंध में किसको वरीयता ज्यादा देनी बेटा, द्विबंध और त्रिबंध में किसको वरीयता ज्यादा देते हैं, द्विबंध की वरीयता त्रिबंध से क्या होती है, ज्यादा, मतलब कि द्विबंध को निम्नतम अंक देना है, द्विबंध की वरीयता ज्यादा, द्विबंध को एक देना है, त्रिबंध को एक नहीं देना, क्योंकि द्विबंध की वरीयता त्रिबंध से ज्यादा, 3-4 ये आ जाएगा बेटा यहां पे अंकन, ये हो गया अंकन। अब अंकन के बाद हम करते हैं नामकरण,
नामकरण में सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है। चार कार्बन के लिए मूल शब्द होता है बेटा ब्यूट। क्या होता है? मूल शब्द ब्यूट होता है। मूल शब्द के बाद आता है अनुलग्न प्रथम। अनुलग्न प्रथम का मतलब होता है द्विबंध है या त्रिबंध है। यहाँ पे द्विबंध भी है, द्विबंध के लिए इन आता है, और यहाँ पे त्रिबंध भी है, त्रिबंध के लिए आइन आता है। द्विबंध भी है और त्रिबंध भी है, द्विबंध के लिए इन और त्रिबंध के लिए आयन। तो ये हमने क्या लिखा? ब्यूट इन आयन। चलो इन कौन से नंबर पे? वन पे क्या आएगा? इन। तो वन पे आ जाएगा इन। थ्री पे क्या आएगा? थ्री पे, थ्री पे ट्रिपल बॉन्ड। तीन पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ब्यूट वन इन थ्री आयन। चलो अनुलग्न द्वितीय क्या है? अनुलग्न द्वितीय जो होता है ये किसके लिए होता है? अनुलग्न द्वितीय मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए होता है, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। यहां पे मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं, मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं। चलो फिर आते हैं हम पूर्व लग्न प्रथम पे। पूर्व लग्न प्रथम किसके लिए होता है? चक्रीय कार्बन श्रृंखला के लिए। पूर्व लग्न प्रथम चक्रीय कार्बन श्रृंखला के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे चक्रीय नहीं। और पूर्व लग्न प्रथम से पहले आता है पूर्व लग्न द्वितीय। पूर्व लग्न द्वितीय जो होता है वो आता है प्रतिस्थापी के लिए, लेकिन यहाँ पर प्रतिस्थापी नहीं है, तो पूर्व लग्न द्वितीय भी नहीं आएगा। बस तो नाम क्या हो जाएगा? बन गया है नाम ब्यूट वन इन थ्री आयन, या हिंदी में लिखना चाहो तो ब्यूट वन इन थ्री आयन, या कई लोग इसको ये बोलते हैं बेटा वन थ्री ब्यूटी नाइन, वन थ्री ब्यूटी नाइन ये हो जाएगा। ब्यूटी नाइन, वन थ्री ब्यूटी नाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो उदाहरण नंबर छे, उदाहरण नंबर सिक्स। चलिए मान लो अगर आपको उदाहरण नंबर सिक्स में आपको यहां पे दे दिया जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दे दिया बेटा, ठीक है, और यहां पे आपको ये दे दिया गया। चलो थोड़ा सा हम क्वेश्चन को बदलते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपको प्रश्न ऐसा दे दिया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो बेटा हमको ये पहचानना होगा कि कौन सा संरचना सूत्र है। ये विस्तृत संरचना सूत्र है या संगणित संरचना सूत्र है या फिर ये बंध रेखा संरचना सूत्र, कौन सा संरचना सूत्र बताइए? ये कौन सा संरचना सूत्र है? ये विस्तृत संरचना सूत्र है, बंध रेखा संरचना सूत्र है या संगणित संरचना सूत्र है? बताइए क्या है ये? अरे भैया ये बंध रेखा संरचना सूत्र है। मैंने आपको ये बात बताई थी, बंध रेखा संरचना सूत्र में ऐसे जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा कार्बन श्रृंखला बनाते हैं। तो ये किस में आता है? बंध रेखा संरचना सूत्र में। समझ में आया? तो ये बंध रेखा संरचना सूत्र बेटा। चलो बहुत अच्छी बात है। इस बंध रेखा संरचना सूत्र में ये जो सिरे है, ये सिरे किसको व्यक्त करते हैं? कार्बन को। और ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर किसको प्रकट करते हैं? ये भी कार्बन को प्रकट करते हैं, ये भी कार्बन को। जितने भी कॉर्नर है और जितने भी सिरे हैं, ये सब कार्बन को प्रदर्शित करते हैं बेटा। किसको प्रदर्शित करते हैं? कार्बन को। चल तो ये है आपका बंध रेखा संरचना सूत्र। अब हमें बोला गया बच्चों इसका आईयूपीएसी नाम लिखो। इसका क्या लिखना है? आईयूपीएसी नाम का। सबसे पहला हमको करना होता है मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। जब भी आपको किसी भी यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए बोला जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे?
उस यौगिक का कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। कार्बन श्रृंखला के चयन का नियम क्या है? कार्बन श्रृंखला वो चयन करनी है जिसमें सबसे अधिक संख्या में मुख्य क्रियात्मक समूह हो। क्या यहाँ पर कहीं आपको मुख्य क्रियात्मक समूह नजर आता है? चल्ली से लाइव चैट के अंदर जाओ और कमेंट करके बताओ, क्या आपको इस श्रृंखला में कहीं पर भी मुख्य क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है? यस और नो, फटाफट मैं आपके रेस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं। यहां कहीं पर भी मुझे मुख्य क्रियात्मक समूह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो फिर हम दूसरी वरीयता किसको देंगे? बहुबंध को। मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद आप क्या चेक करते हो? बहुबंध। चलो, बहुबंध युक्त कार्बन श्रृंखला ही मुख्य श्रृंखला होगी। ये रहे बहुबंध। अधिकांश संख्या में बहुबंध जिस भी कार्बन श्रृंखला में है वही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। ये रही बेटा आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला। सबसे अधिक संख्या में जहां मुख्य क्रियात्मक समूह, सबसे अधिक संख्या में जहां बहुबंध होंगे वही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। इस कार्बन श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या में क्या है बच्चों? बहुबंध। तो सबसे ज्यादा संख्या में जहां पर भी जिस भी कार्बन श्रृंखला में बहुबंध होंगे वही हो जाएगी मुख्य श्रृंखला। चलो, मुख्य श्रृंखला हो गई, मुख्य श्रृंखला का चयन हो गया। अब मुख्य श्रृंखला के चयन के बाद हमें देखना होता है बेटा क्या? अंकन। अंकन कैसे करते हैं? अंकन हम वहां से करेंगे जहां पे बहुबंध को न्यूनतम अंक मिले। देखो, अगर मैं यहां एक लिखता हूं, यहां दो लिखता हूं, यहां तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ और नौ। चलो, अंकन कर लिया। अंकन का नियम बोलता है मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक देना है, लेकिन यहां कहीं भी मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है। अगर मुख्य क्रियात्मक समूह को अंक ना दे पाओ तो मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद में हम चेक करते हैं बहुबंध को। यहां पे बहुबंध है, बहुबंधों को निम्नतम अंक देना है। अगर मैं यहां पे एक लिखूंगा तब भी बहुबंध को क्या मिलेगा? इस बहुबंध को एक मिलेगा। और अगर मान लो कोई बच्चा यहां पे एक लिखता है तब भी इस बहुबंध को क्या मिलेगा? इस बहुबंध को एक मिलेगा। देखो, यहां पे एक लिखो तब भी बहुबंध को एक मिलेगा, यहां पे एक लिखे तब भी बहुबंध को एक मिलेगा। चलो करके देखते। तो भैया यहां पे सभी बहुबंधों को क्या अंक आना? देखो, इसको एक, इस वाले बहुबंध को एक, इस वाले बहुबंध को चार और इस वाले बहुबंध को आठ। एक, चार और आठ बहुबंधों को मिल रहा है, एक, चार, आठ। ठीक है, चलो यहां से अगर शुरू करें तो क्या मिल रहा है? यहां से शुरू करें तो इस बहुबंध को मिल रहा है एक, फिर यहां पे एक के बाद ये दो, तीन, चार, पांच। यहां पे बहुबंध को क्या मिल रहा है? पांच मिल रहा है, एक, पांच। यहां से आओगे तो यहां बहुबंध को पांच मिल रहा है, पांच के बाद छह, सात, आठ, यहां पे मिल रहा है आठ। मतलब कि वहां से शुरू करोगे तो बहुबंधों को एक, पांच, आठ मिलेगा और यहां से चालू करोगे तो बहुबंधों को एक, चार, आठ मिलेगा। अब मुझे आप बताओ दोनों में से निम्नतम कौन सा है? दोनों में से निम्नतम कौन सा है? बताओ बताओ, दोनों में से निम्नतम कौन सा? एक की जगह एक है, चार की जगह पांच है, आठ की जगह आठ है। मतलब कि ये देखो, इन दोनों को चेक करो, ये चार है और ये पांच है। मतलब कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये हो जाएगा निम्नतम। क्या हो जाएगा? निम्नतम। एक, चार, आठ होता है बेटा निम्नतम। मतलब कि जहां से एक, चार, आठ मिलता है ना वो निम्नतम है। जहां से एक, चार, आठ मिलता है वो निम्नतम है। मतलब कि ये लाल वाला हटा दो, लाल वाला गड़बड़ है भाई, लाल वाला गड़बड़ है, लाल वाला हटा दो, लाल वाला हटा दो। चल, ये आ गया सही अंकन। अंकन भी हो गया। अंकन के बाद अब हम करते हैं नामकरण। नामकरण में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? मुख्य कार्बन श्रृंखला में नौ कार्बन है, तो नौ कार्बन के लिए मूल शब्द होता है नॉन। क्या होता है बेटा? नॉन। मूल शब्द के बाद आता है अनुलग्न प्रथम।
अनुलग्न प्रथम क्या होगा? यहाँ पर एक द्विबंध, दो द्विबंध, तीन, यहाँ पर तीन द्विबंध है, मतलब कि यहाँ पे ट्राई इन होगा बेटा, तीन द्विबंधों के लिए ट्राई इन होगा बेटा, क्या होगा? तीन द्विबंधों के लिए ट्राई इन, बहुत बढ़िया। फिर आता है अनुलग्न द्वितीय, अनुलग्न द्वितीय आता है मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए, यहां पर मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, अनुलग्न द्वितीय नहीं आएगा। चलो फिर आता है पूर्व लग्न प्रथम, पूर्व लग्न प्रथम आता है चक्रीय श्रृंखला के लिए, किसके लिए? चक्रीय श्रृंखला के लिए, लेकिन यहां पर चक्रीय श्रृंखला नहीं है, तो इसका मतलब पूर्व लग्न प्रथम नहीं आएगा। चलो पूर्व लग्न द्वितीय, क्या? पूर्व लग्न द्वितीय, चलो पूर्व लग्न द्वितीय किसके लिए आता है? पूर्व लग्न द्वितीय आता है प्रतिस्थापी के लिए, किसके लिए आता है? प्रतिस्थापी के लिए। प्रतिस्थापी क्या है? प्रतिस्थापी का मतलब होता है मुख्य श्रृंखला के बाहर निकली हुई जो शाखा है उसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापी। मुख्य श्रृंखला के बाहर निकली हुई शाखा को हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी। ये रहा प्रतिस्थापी। अच्छा, इस प्रतिस्थापी का नाम क्या होगा? इस प्रतिस्थापी का नाम क्या होगा, कौन बताएगा? इस प्रतिस्थापी का नाम क्या होगा, कौन बताएगा? चलो मैं आपको बताता हूं इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है। बच्चों आप मुझे बताओ, क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा कोई प्रतिस्थापी बताया था? क्या बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको शाखित प्रतिस्थापियों के नामकरण का कोई टॉपिक पढ़ाया था? उसमें क्या मैंने ऐसा कोई प्रतिस्थापी आपको बताया था? जल्दी से फटाफट, क्या बच्चों आपको मैंने शाखित प्रतिस्थापियों के नामकरण ऐसा कोई टॉपिक बताया था जिसमें मैंने ऐसा कोई प्रतिस्थापी लिखवाया हो? सोचो, क्या ऐसा शाखित प्रतिस्थापियों के नामकरण में ऐसा कोई प्रतिस्थापी मैंने बता रखा है? जल्दी से लाइव चैट में जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ, लिखवा है? इस प्रतिस्थापी का नाम मैंने ऐसा कुछ लिखवा रखा है, देखो देखो चेक करो, वन मेथिल एथिल, ऐसा कोई नाम लिखवाया मैंने? चेक करो चेक करो चेक करो, ऐसा कोई प्रतिस्थापी मैंने लिखवाया हो वन मेथिल एथिल नाम का? वन मेथिल एथिल, ऐसा कोई नाम मैंने लिखवाया हो? और इसका मैंने एक सामान्य नाम भी लिखवाया, इसका सामान्य नाम मैंने लिखवाया आइसोप्रोपिल, ऐसा कोई मैंने प्रतिस्थापी लिखवाया हूं? आइसोप्रोपिल या वन मेथिल एथिल, याद आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था मैंने आइसोप्रोपिल या वन मेथिल एथिल, ऐसा कुछ। अब मुझे बताओ, क्या ये वाला और ये प्रतिस्थापी दोनों सेम है? क्या ये वाला और ये वाला प्रतिस्थापी दोनों सेम है? देखो 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 ध्यान से देखो ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला प्रतिस्थापी दोनों क्या है बच्चों? सेम सेम, मतलब कि ये जो प्रतिस्थापी है ना इसका नाम यही हो जाएगा, ये वाला और ये वाला सेम है। सर ये वाला सेम कैसे? थोड़ा झलक दिखाओ, बिल्कुल झलक दिखला जा, ये लो झलक दिखला दी आपको, सी एच थ्री यहाँ पे हो जाएगा सी एच और यहाँ पे हो जाएगा सी एच थ्री, सी एच थ्री इसको मैं पहला कार्बन बोलता हूँ, इसको मैं दूसरा, और ये सी एच थ्री इसको मैं तीसरा बोलता हूँ, इस सी एच थ्री को मैं पहला कार्बन बोलता हूँ, ये दूसरा और ये तीसरा, पहले और तीसरे पर सी एच थ्री, पहले और तीसरे पर सी एच थ्री, और बीच में सी एच दे रखा है, बीच में यहाँ पे क्या है बेटा? सी एच। झलक दिखाई दी, झलक दिखला जा, गाना सुनाओगा झलक दिखला जा, तो भैया ये झलक दिखला दी हमने आपको, देखो CH3 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 CH3, तो ये दोनों CH3, CH3 के बीच में CH, तो CH3 के बीच में CH,
CH3 के बीच में CH, ये रहा वो प्रतिस्थापी जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। इसका नाम क्या, आइसोप्रोपिल या 1-methyl ethyl। तो भैया ये प्रतिस्थापी कौन सा है, 1-methyl ethyl। बहुत बढ़िया, शानदार, ये प्रतिस्थापी आ गया। अच्छा ट्राई इन जो दे रखा है, इस ट्राई इन का नंबर क्या आएगा बेटा, पहले कार्बन पर द्विबंध है, चौथे कार्बन पर द्विबंध है और आठवें कार्बन पर द्विबंध है। तो ये आ जाएगा। चलो इस पूरे का नाम हम कैसे लिखेंगे, इस पूरे का नाम हम थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, 1-methyl ethyl नॉन 1,4-8 ट्राइन, ये नाम हो जाएगा। अच्छा ये 1-methyl ethyl किस पर है, देखो ये पूरा प्रतिस्थापी कौन से कार्बन पर है, देखो मुख्य श्रृंखला के किस कार्बन पर ये आइसोप्रोपिल लगा हुआ है, 6 पर लगा हुआ है। मुख्य श्रृंखला के छठे कार्बन पर ये आइसोप्रोपिल लगा हुआ है, मुख्य श्रृंखला के छठे कार्बन पर ये 1-methyl ethyl नॉन 1,4-8 ट्राइन लगा हुआ है। अच्छा इसको क्या हम सर ऐसा लिख सकते हैं, 6 कार्बन पर, क्या सर हम ऐसा लिख सकते हैं, 6 कार्बन पर इसको हम आइसोप्रोपिल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, 6-isopropyl ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, 6-isopropyl नॉन 1,4-8 ट्राइइन, नॉन 1,4-8 ट्राइइन, नॉन 1,4-8 ट्राई इन, ये नाम हो जाएगा बेटा। क्लियर, यहां तक की बात। इस तरीके से हम इस यौगिक का नाम लिख सकते। चलो उदाहरण नंबर 6 के बाद उदाहरण 7। चल उदाहरण 7 करेंगे, एग्जाम्पल 7। आइए उदाहरण क्रमांक 7 लिखेंगे बेटा। चलिए यहां पे हम लिखते हैं इसको और यहां पे हम लिखते हैं इसको। चलो इसको इसको डिस्को डिस्को ये डिस्को। चलो चलो तो ये हम लिख लिया, हमने इस यौगिक को, इसका हमें IUPAC नामकरण लिखना है। ये नोट कर लिया ना, नोट नहीं किया तो कर लो। चल इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। चलो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन ये लो, मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी बेटा, मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होती, क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन श्रृंखला ही मुख्य कार्बन श्रृंखला है, लेकिन यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है। अगर मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो फिर बहुबंध देखो, क्या यहाँ पे कोई बहुबंध है, सर यहाँ पे द्विबंध और त्रिविबंध भी नहीं है, तो भैया बहुबंध भी नहीं है। तो सर अब क्या करें, अब देख लो बेटा सबसे ज्यादा संख्या में कार्बन वाली श्रृंखला कौन सी, सबसे ज्यादा संख्या में कार्बन वाली श्रृंखला सर मुझे तो ये दिखाई दे रही, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, सबसे अधिक संख्या में कार्बन वाली श्रृंखला मुझे ये दिखाई देती है बेटा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। क्लियर, चलो ये हो गया मुख्य श्रृंखला का चयन। अब मुख्य श्रृंखला के चयन के बाद हम देखेंगे अंकन, क्या देखेंगे, अंकल, अंकल नहीं, अंकल को क्या देखोगे भैया, अंकन देखना है बेटा, क्या देखना है, अंकन। चलो अंकन कैसे होगा, अंकन के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंकन दे, लेकिन यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, तो फिर उसके बाद मैंने आपको बोला कि बहुबंधों को निम्नतम अंकन दे, लेकिन यहाँ पे बहुबंध भी नहीं है, तो फिर मैंने आपको बोला कि प्रथम प्रतिस्थापी को निम्नतम अंक मिलना चाहिए, प्रथम प्रतिस्थापी को निम्नतम अंक, ये रहा भैया प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का मतलब है बाहरी शाखा, प्रथम प्रतिस्थापी को निम्नतम अंक, ये रहा प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का मतलब बाहरी शाखा भैया, मुख्य श्रृंखला से बाहर निकली हुई शाखा, प्रतिस्थापी का मतलब बाहरी शाखा।
तो नियम बोलता है कि प्रथम प्रतिस्थापी को निम्नतम अंक मिलना चाहिए। चलो अगर मैं यहाँ पे एक लिखता हूं तो यहाँ दो, यहाँ पे तीन, और यहाँ पे आने वाला ये जो पहला प्रतिस्थापी है, सबसे पहले आने वाला प्रतिस्थापी जो है उसको चार मिल रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। मान लो मैंने यहां से एक लिखा, कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो इसको यहां से करना है, एक दो तीन चार पांच, अरे मिल गया पहला प्रतिस्थापी। यहां से शुरू करोगे तो पहला प्रतिस्थापी जो भी आएगा उसको छह मिलेगा। तो भैया पहला प्रतिस्थापी यहां से शुरू करने पर छह आ रहा है, अच्छा, और यहां से शुरू करने पर पहला प्रतिस्थापी चार आ रहा है। तो निम्नतम कौन सा, ये चार वाला क्या है, चार वाला भैया निम्नतम है। चार वाला कौन सा, निम्नतम। छह और चार में से छोटा कौन होगा, चार। चार वाला हो गया निम्नतम। चलो अंकन भी हो गया, मतलब कि ये लाल वाला अंकन जो है इसको हटाओ, इसको हटाओ भैया, इसको हटाओ, गलत है ये। लाल पेंसिल से जो किया अंकन वो गलत, आसमानी पेंसिल से जो अंकन है ये हो जाएगा बिल्कुल 100% सही, ये हो जाएगा सही। बहुत अच्छी बात है, चलो ये सही हो गया। अब हम करेंगे नामकरण। नामकरण कैसे करते हैं, सबसे पहले आता है मूल शब्द। क्या आता है, मूल शब्द। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 10 कार्बन। 10 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या आएगा, डेक आएगा। क्या आएगा, डेक। 10 कार्बन के लिए मूल शब्द डेक आता है। चलो मूल शब्द के बाद अनुलग्न प्रथम। अनुलग्न प्रथम क्या होता है बेटा, सभी कार्बन के बीच में एकल बंध है, तो एकल बंध के लिए अनुलग्न प्रथम क्या आएगा, एकल बंध के लिए अनुलग्न प्रथम आएगा N। चलो प्लस अनुलग्न द्वितीय। अनुलग्न द्वितीय किसके लिए आता है, अनुलग्न द्वितीय आता है मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। अनुलग्न द्वितीय आता है मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। मुख्य क्रियात्मक समूह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह है ही नहीं, हटाओ, मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं लिखना है। बहुत अच्छी बात है। मूल शब्द के पहले आता है पूर्व लग्न प्रथम। पूर्व लग्न प्रथम किसके लिए आता है, पूर्व लग्न प्रथम आता है चक्रीय श्रृंखला के लिए। यहाँ पे कोई चक्रीय श्रृंखला नहीं है, यहाँ चक्रीय श्रृंखला नहीं। पूर्व लग्न द्वितीय, पूर्व लग्न द्वितीय किसके लिए आता है, सर ये तो आता है प्रतिस्थापी के लिए। बहुत बढ़िया, यहाँ पे प्रतिस्थापी कितने हैं, अरे ये दो दो बाहरी शाखाएं निकली हुई है, प्रतिस्थापी दो हैं यहाँ पे। अरे ये प्रतिस्थापी तो देख रखा भैया, ये प्रतिस्थापी, अरे सर ये वाला प्रतिस्थापी आइसोप्रोपिल या वन मैथिल एथिल, इस प्रतिस्थापी का नाम है वन मैथिल एथिल, वन मेथिल एथिल हो जाएगा, या फिर इसको आप बोलते हो सामान्य भाषा में आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हो, आइसोप्रोपिल। बच्चे बोलते हैं सर आइसोप्रोपिल तो सामान्य नाम है, तो हम क्या इसको आईयूपीएसी में लिख सकते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल, आइसोप्रोपिल को आप आईयूपीएसी में उपयोग में ले सकते हो, सामान्य नाम है लेकिन ले सकते हो। कितने आइसोप्रोपिल है, दो आइसोप्रोपिल है सर, तो मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं डाई आइसोप्रोपिल डेक एन, डाई आइसोप्रोपिल। अच्छा आइसोप्रोपिल किस किस पर है, चार पर और पांच पर, चार और पांच पर डाई आइसोप्रोपिल डेक एन, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा 4-5 डाई आइसोप्रोपिल डेकेन, ठीक है ये नाम हो जाएगा। अच्छा इसका सर और क्या नाम लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल इसको और भी कई तरीके, 4-5। अच्छा वन मेथिल एथिल के इसके रूप में लिखना हो तो सर, इसको लिखना हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वन मेथिल एथिल को, ठीक है 4-5 वन मेथिल एथिल, दो बार आ रहा है ये वन मेथिल एथिल, कितनी बार आ रहा है, फोर पर भी और फाइव पर भी, तो वन मेथिल एथिल फोर पर भी फाइव पे भी, तो वन मेथिल एथिल कितने कार्बन है, 10 कार्बन है, तो ये हो जाएगा डेकेन।
अब सर लेकिन 1-methylethyl दो बार, तो सर मैं क्या यहाँ पर डाई लगा दूं, क्योंकि दो बार आ रहा है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे यदि आपने डाई लगा दिया तो डाई यहाँ पे गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पे डाई नहीं लगाना है। तो सर क्या लगाना है यहाँ पे बेटा, ध्यान रखना, यहाँ पे आपको डाई की जगह बिस लगाना है। एक स्पेशल शब्द है बिस, वो बिस लगाना है बेटा यहाँ। सर ये क्या बीमारी है, बिस का मतलब क्या? हमेशा बेटा ध्यान रखना, यदि आपको कहीं पर भी शाखित प्रतिस्थापी दिख जाए, शाखित प्रतिस्थापी आपको दिख जाते हैं, शाखित प्रतिस्थापियों की संख्या यदि दो हो तो आप बिस लिखोगे, शाखित प्रतिस्थापियों की संख्या तीन हो तो आप ट्रिस लिखोगे, शाखित प्रतिस्थापियों की संख्या चार हो तो टेट्राकिस लिखोगे, चार बार किस, ठीक है, टेट्राकिस, चार बार किस, ऐसे याद रखो, चार बार टेट्राकिस। चलो अगर शाखित प्रतिस्थापियों की संख्या पांच हो तो पेंटाकिस। वाह वाह मजा आ गया। तो बीस ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेप्टाकिस। तो भैया ये शाखित प्रतिस्थापी जो है, शाखित प्रतिस्थापी दो बार है, अगर शाखित प्रतिस्थापी दो बार तो 20 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 20। 4-5 पे 1-methyl-ethyl दो बार, तो 4-5-20 1-methyl-ethyl-decane ये हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो तो यहां ध्यान रखना, जब भी इसका IUPAC नेम लिखोगे तो यहाँ पे आप 20 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे आप डाई लिख सकते हो क्योंकि आइसोप्रोपिल है, आइसोप्रोपिल में कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। शाखित प्रतिस्थापी IUPAC में नाम लिखोगे तो यहाँ पे 20 आएगा, ये ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए अब अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल उदाहरण 8। कौन सा बेटा, उदाहरण 8। चलो जैसे शाखित प्रतिस्थापी हैं, वैसे द्विबंध वाले प्रतिस्थापी भी होते हैं बेटा, ठीक है। तो शाखित प्रतिस्थापी हमने जैसे पढ़े ना बेटा, वैसे द्विबंध वाले प्रतिस्थापी भी होते हैं, द्विबंध वाले प्रतिस्थापी के नाम कर। अभी तक बेटा हमने जितने भी प्रतिस्थापी पढ़े हैं, सभी प्रतिस्थापियों के अंदर कौन से बंध हैं, एकल बंध। देखो इस प्रतिस्थापी में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, इस प्रतिस्थापी में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है। अभी तक बेटा हमने जितने भी प्रतिस्थापी पढ़े सब में कार्बन कार्बन के बीच में क्या था, एकल बंध। लेकिन मान लो आपको कोई ऐसा प्रतिस्थापी दिख जाए जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है तो ऐसे प्रतिस्थापी का नाम हम किस तरीके से लिखें, यह हमें समझना है। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल CH2 द्विबंध CH, द्विबंध वाला ये जो प्रतिस्थापी है, इस प्रतिस्थापी का नाम कैसे लिखना, ठीक है। चलो तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, जिसकी संयोजकता मुक्त होगी ना बेटा, जहां पे बंध खुला हुआ है ना वहीं पे आप कार्बन को एक लिखेंगे। कितने कार्बन है, दो। दो कार्बन जब भी द्विबंध से जुड़े हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एथीन। लेकिन प्रतिस्थापी के लिए हम पीछे इल लगाते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा प्रोपिल, प्रतिस्थापी में हमेशा पीछे वायल लगाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ब्यूटिल, प्रतिस्थापी में हमेशा वायल लगाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एथिल, प्रतिस्थापी में पीछे वायल लगाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा मेथिल, प्रतिस्थापी में आप हमेशा वायल लगाते पीछे। तो भैया जब भी इस प्रतिस्थापी का नाम लिखना है तो एथीन, दो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो इसको हम क्या लिखते हैं, एथीन, एथीन प्लस पीछे क्या लगाना है, वाई एल, तो एथीन नील हो जाएगा बेटा इसका नाम, क्या हो जाएगा, एथी नील हो जाएगा। तो दो कार्बन के बीच में अगर द्विबंध हो तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एथीन बोलते हैं। लेकिन एथीन के, एथीन अगर ये प्रतिस्थापी हो तो प्रतिस्थापी जब भी बनेगा तो पीछे वायल लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा एथीनिल, ये नाम हो जाएगा बेटा। जब भी वाय आए, ए ई आई ओ यू स्वर या वाय आता है तो इस ई को हटाना है, एथीनिल हो जाएगा। अच्छा बेटा एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना, यहाँ पे एक करेक्शन करना, जब भी पीछे वाय दे रखा हो तो इसको आप यहां से हटाते हो,
जब भी ए ई आई ओ यू स्वर आते हैं, जब भी यहां पर स्वर आए और स्वर के पहले ई हो या फिर वाई हो, कोई भी स्वर या वाय यहां पे दे रखा हो और उसके पहले ये आता है, तो इस ई को यहां से गायब करना है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहां पे भी यही किया, जब भी स्वर आते हैं कोई ए ई आई ओ यू प्लस वाय होते हैं, यहां से ई को गायब करना, तो एथिन निल हो जाएगा बेटा। चलो उदाहरण नंबर दो, उदाहरण नंबर टू क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी एच द्विबंध सी एच टू। मान लो ये दे रखा है बेटा, तो आप इसको क्या लिखते हो, वन टू थ्री, इसको हम क्या लिखते हैं, प्रोपीन। इसको हम क्या लिखते हैं बेटा, प्रोपीन। क्या लिखते हैं, प्रोपीन। लेकिन मान लो प्रोपीन में यहां पे संयोजकता आपने खोल दी, ये बंध को आपने खोल दिया, तो अब ये क्या बन चुका है, अब ये प्रतिस्थापी बन चुका है। इस प्रतिस्थापी का नाम क्या होगा, प्रोपीन प्लस वाय लगा दो, तो ये हो जाएगा प्रोपीन निल हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, प्रोपीन निल, तो प्रोपाइनिल, प्रोपाइनिल हो जाएगा, प्रोपीन निल हो जाएगा, माफ करना प्रोपाइलिन नहीं, प्रोपीन निल हो जाएगा, प्रोपीन, प्रोपीन प्लस वाय, प्रोपीन निल हो जाएगा, है ना। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, प्रो पीन प्लस वायल, अगर पीछे वायर दे रखा है तो ई को यहां से हटा दो, प्रोपीनिल, प्रोपीनिल हो जाएगा बेटा। तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा प्रोपीनिल, ये नाम आ जाएगा, क्लियर। चल इसी तरीके से बच्चा, अगर आपको मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, उदाहरण तीन, मान लो ऐसा दे रखा है सी एच टू द्विबंध सी एच टू सी एच टू सिंगल बॉन्ड, ये दे रखा है, तो जिस जहां पे बंद खुला हुआ है उस कार्बन को मैंने आपको क्या बोला, एक देना है, फिर दो, फिर तीन, तो हम इसको क्या लिखते हैं बेटा, इस वाले यौगिक को हम क्या लिखते हैं। मान लो यहां पे आपको ऐसा दे रखा होता सी एच थ्री, ऐसा दे रखा होता, मान लो ये आपको दे रखा होता, इस यौगिक को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं प्रोपीन। अभी मैंने बताया ना, इसको हम प्रोपीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोपीन। लेकिन मान लीजिए, मान लीजिए यहां पे बंद खुला हुआ है, यहां पे बंद खुला हुआ, ये बंद खुला हुआ, अगर बंद खुला हुआ तो पीछे क्या लगाओगे, वाई एल इल लगाओगे, तो प्रोपीन, ये प्रोपीन है और पीछे वाई एल लगाओ, वाई के आगे वाला ई हट जाएगा, तो प्रोपीन इल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रोपीनिल, ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यहां पे ये पहला कार्बन जो बंद खुला हुआ है उस कार्बन को सदैव एक लिखना है, फिर दो, फिर तीन, मतलब कि ये जो नाम है इसको थोड़ा और सही करना है, इस नाम को हमको लिखना प्रोप, दूसरे कार्बन पर क्या है, इन प्लस वायल, प्रोप टू इनाइल, ये नाम हो जाएगा बेटा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपको बच्चों द्विबंध या त्रिबंध वाले प्रतिस्थापियों के नाम लिखने हो, तो जिस कार्बन की संयोजकता खुली हुई है, जिस कार्बन पे संयोजकता खुली हुई है उस कार्बन को एक लिखना है, फिर दो, फिर तीन, ये लिखना है। दूसरे कार्बन पर इन लगा हुआ है तो प्रोप टू इन, दूसरे कार्बन पर इन आ जाएगा, और यहां पे संयोजकता खुली हुई है इसीलिए आप इसको क्या लिखेंगे, पीछे वाई एल लिखेंगे, प्रोप टू एनिल, ये नाम हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला उदाहरण नंबर चार, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री, ये लिखा है, ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, इसका नाम हम लिखेंगे प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन लिखते हो आप इसको, भाई क्या लिखते हो, एक दो तीन, तीन कार्बन को प्रोप, और तीन कार्बन ट्रिपल बंध है तो त्रिबंध है तो आयन लिखते हो, प्रोपाइन होता है। लेकिन मान लो बेटा यहां पे संयोजकता मुक्त हो जाए, ये यहां पे संयोजकता मुक्त होगी, मान लो यहां पे आपने ये बंध को खोल दिया, अगर बंध को खोल दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका प्रतिस्थापी, तो प्रोपाइन नील हो जाएगा, ये नाम क्या हो जाएगा, प्रोप आइनिल, ये नाम हो जाएगा। और इसमें जो जिस कार्बन की संयोजकता खुली हुई है, जिस कार्बन का बंध खुला हो उसको एक लिखना, हमेशा दो,
3। बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखे, जिस कार्बन का बंद खोला गया है उसको एक लिखना है, जिस कार्बन का बंद खोला गया है उसको एक लिखना है, जिस कार्बन का बंद खोला गया उसको एक लिखना है, जिस कार्बन का बंद खुला हुआ उसको एक लिखना है। तो यहाँ पे 2 पर क्या है आयन, तो 2 पर हो जाएगा भैया आयन, तो प्रोप 2 आयनिल हो जाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रोप 2 आयनिल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्रोप 2 आयनिल। तो इस तरीके से हम द्विबंध और त्रिबंध वाले प्रतिस्थापियों के नाम भी लिख सकते हैं बेटा। समझ में आया? अच्छा, एक प्रतिस्थापी यहाँ पे और होता है बेटा, मान लो कोई प्रतिस्थापी द्विबंध के द्वारा अगर खुला हुआ है। देखो यहाँ पे ये प्रतिस्थापी एकल बंध से खुला हुआ है, यहाँ पे प्रतिस्थापी एकल बंध से खुला हुआ है, यहाँ पे ये प्रतिस्थापी एकल बंध से खुला हुआ है, यहाँ पे प्रतिस्थापी एकल बंध, इन सभी प्रतिस्थापियों में ये कार्बन एक बंध से खुला हुआ है, इस कार्बन पे एक बंध खुला हुआ है, इस कार्बन पे एक बंध खुला हुआ है, इस कार्बन पे एक बंध खुला हुआ है, इस कार्बन पे 2 बंध खुले हुए हैं। तो जब भी ऐसा प्रतिस्थापी आए तो इसको हम बोलते हैं मिथाइलिन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? मिथाइलिन। 2 कार्बन वाले इस दो बंध खुले हुए इस एक कार्बन वाले प्रतिस्थापी को मिथाइलिन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? मिथाइलिन बोलते हैं। तो ये आपको बेटा ध्यान रखना है। समझ में आई यहां तक की बात? यहां तक की बात क्लियर? तो ये सारी बातें हैं बेटा। चलो हम कहां पर थे? उदाहरण नंबर 7 पर। अब आते हैं उदाहरण नंबर 8। चलो ये हो गया फिनिश। चलो द्विबंध और त्रिबंध वाले प्रतिस्थापियों के नाम हो गए पूरे समाप्त। अब आते हैं उदाहरण नंबर 8 पर। चलो उदाहरण 8। मान लो आपको कोई यौगिक ये दे रखा है। अब इस यौगिक का आपको क्या लिखना है? आईयूपीएसी नामकरण। क्या लिखना है बेटा? आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण करने के दौरान सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम है मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। क्या नियम है बेटा? सबसे पहला नियम है मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। मुख्य कार्बन श्रृंखला के चयन के दौरान सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह की संख्या कहां पर ज्यादा है। लेकिन इस यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो अब क्या करेंगे? तो अब हम देखेंगे बहुबंध। जिस कार्बन श्रृंखला में बहुबंधों की संख्या सबसे ज्यादा होगी वही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। जिस कार्बन श्रृंखला में बहुबंधों की संख्या सबसे ज्यादा होगी वही होगी मुख्य श्रृंखला। अगर मैं सीधी कार्बन श्रृंखला का चयन करूं तो 1 और 2 दो बहुबंध आएंगे। यदि मैं यहां से शुरू करके नीचे की तरफ जाऊं तब भी 1 और 2 दो बंध आएंगे। यदि मैं यहां से शुरू करके यहां जाऊं तब भी 1 और 2 दो बहुबंध आएंगे। जब एक से ज्यादा कार्बन श्रृंखला दो दो बहुबंध वाली है तो अब क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं जब अलग अलग कार्बन श्रृंखलाओं में बहुबंधों की संख्या समान हो ना, तो उसके बाद हम देखते हैं बेटा कार्बन की संख्या। किसकी संख्या? कार्बन की संख्या। यदि दो या दो से ज्यादा श्रृंखलाओं में बहुबंधों की संख्या समान है तो सबसे ज्यादा कार्बन किस श्रृंखला में है वो देखो। सबसे ज्यादा कार्बन किस श्रृंखला में है? सबसे ज्यादा कार्बन सीधी श्रृंखला में भैया। सबसे ज्यादा कार्बन ये रहे, ये सबसे ज्यादा कार्बन, सबसे ज्यादा कार्बन ये आ गया। क्लियर? चलो ये हो गए मुख्य श्रृंखला का चयन। अब मुख्य श्रृंखला के चयन के बाद अब हमें देखना होता है अंकन। क्या देखना होता है बेटा? अंकन नहीं, अंकन। चलो अंकन कैसे करेंगे? आ जाओ इसको 1 लिखो, इसको 2 लिखो, इसको 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है भैया, अच्छी बात है। चलो यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत बढ़िया। यदि मैं अंकन की बात करूं, अगर यहां से शुरू करूंगा तो द्विबंध को 1 मिलेगा और इस द्विबंध को 8 मिलेगा। मतलब कि द्विबंध को अंकन 1 8 मिला यहां से चालू करने पे। अच्छा प्रतिस्थापी को कितना मिल रहा है यहां पे? ये जो प्रतिस्थापी है एक कार्बन वाला, ये प्रतिस्थापी को कितना मिल रहा है? इस प्रतिस्थापी को अंक कितना मिल रहा है? इस प्रतिस्थापी को अंक मिल रहा है 5। कितना मिल रहा है बेटा? 5। चलो अब मैं एक काम करता हूं, यहां से शुरू करता हूं, यहां से
यहां से स्टार्ट करते, यहां से स्टार्ट करेंगे तो द्विबंध को कितना मिलेगा, इस द्विबंध को एक मिलेगा और इस वाले द्विबंध को आठ मिलेगा। यहां से स्टार्ट करेंगे तब भी द्विबंध को आठ मिलेगा, यहां से जाएंगे तब भी द्विबंध को एक आठ मिलेगा और यहां से आएंगे तब भी द्विबंध को एक आठ मिलेगा। दोनों ही दिशाओं से द्विबंध को एक आठ मिलेगा, यहां से भी एक और आठ और यहां से भी एक और आठ, एक आठ मिलेगा बेटा, दोनों दिशाओं से एक आठ मिलेगा। चलो अब प्रतिस्थापी को देखते हैं। प्रतिस्थापी को यहां से चालू करोगे तब भी प्रतिस्थापी को पांच मिलेगा, यहां से चालू किया तब भी प्रतिस्थापी को पांच, प्रतिस्थापी को भी पांच मिल रहा है। तो भैया एक काम करो, कोई भी श्रृंखला में अंकन कोई भी जो दिख रहा है आपको वो चयन कर लो, कोई भी अंकन आप सेलेक्ट कर लो, इसमें से जो अंकन आपको सही लगता है वो देख लो। आप कोई भी एक अंकन को मान लो, ठीक है, कोई भी एक अंकन को आप मान लो, आप यहां से वहां वाला देख लो या वहां से यहां वाला देख लो, दोनों सही है। चलो अब हम लिखेंगे नामकरण। अंकन के बाद आता है नामकरण, सबसे पहले हम लिखते हैं मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, कार्बन श्रृंखला में नौ कार्बन है, नौ कार्बन के लिए हम लिखते हैं नॉन, क्या लिखते हैं बेटा नॉन। मूल शब्द के बाद आता है अनुलग्न प्रथम। अनुलग्न प्रथम का मतलब क्या होता है, कार्बन श्रृंखला में कितने द्विबंध है, एक और दो, मुख्य कार्बन श्रृंखला में एक और दो, मुख्य कार्बन श्रृंखला में दो द्विबंध है। ये मुख्य कार्बन श्रृंखला का द्विबंध नहीं, ये कार्बन श्रृंखला से बाहर निकला हुआ, ये प्रतिस्थापी का द्विबंध है। याद रखना बेटा ये द्विबंध मुख्य कार्बन श्रृंखला का नहीं है, प्रतिस्थापी का द्विबंध है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में दो प्रतिस्थापी है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में दो द्विबंध है, दो द्विबंध के लिए हम लिखते हैं डाइइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा डाइइन। पहले कार्बन पर इन और आठवें कार्बन पर इन, पहले और आठवें पर दो कार्बन पर इन है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अनुलग्न द्वितीय किसके लिए आता है, अनुलग्न द्वितीय आता है बच्चों मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए, लेकिन यहां पे मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं, छोड़ दो उसको। पूर्व लग्न प्रथम, पूर्व लग्न प्रथम आता है बच्चों चक्रीय श्रृंखला के लिए, लेकिन यहां पे चक्रीय श्रृंखला नहीं है, छोड़ दो। पूर्व लग्न द्वितीय, पूर्व लग्न द्वितीय आता है बेटा प्रतिस्थापी के लिए, चलो प्रतिस्थापी यहां पे कौन सा, एक कार्बन वाला। इस एक कार्बन वाले प्रतिस्थापी को क्या बोलते हैं, CH2 द्विबंध। इस वाले प्रतिस्थापी का नाम क्या बताया था, मिथाइलिन। अरे अभी थोड़ी देर पहले देखा था मिथाइलिन, ये देखो इसका नाम क्या, मिथाइलिन, तो ये मिथाइलिन आ गया। तो इस प्रतिस्थापी को हम बोलते हैं मिथाइलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिथाइलिन। ये मिथाइलिन कौन से कार्बन पर है, ये मिथाइलिन पांचवे कार्बन पर है बच्चों, किस पर, पांचवे कार्बन, पांच मिथाइलिन नॉन 18 डाइइन। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 5-methylene नॉन 18 डाइइन, ये नाम हो जाएगा बेटा, तो ये इस यौगिक का IUPAC नाम हो जाएगा। और आज का एक लास्ट में आपको होमवर्क में दे रहा हूं बेटा, उदाहरण संख्या 9 ये आपको करके लाना है। उदाहरण संख्या 9 आपके लिए होमवर्क में है और वो है ये वाला, ठीक है। चलिए एक दो तीन चार पांच छः, दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए बेटा होमवर्क, ठीक है। अच्छा एक चीज, यहाँ पे द्विबंध कितने, डाइन है ना, हाँ जब भी, हाँ एक चीज यहाँ पे देखो मैं मिस कर रहा हूं, मैंने भी यहाँ पे मिस कर दिया। जब भी द्विबंध दो या दो से ज्यादा हो तो मूल शब्द के पीछे ए लगाते हैं, मूल शब्द के पीछे ए लगाते हैं, नोना हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा नोना, मूल शब्द के पीछे ए लगाना है, ठीक है। जब भी द्विबंध दो बार आए तो मूल शब्द के पीछे यहाँ पे, ठीक है। जब भी द्विबंध दो या दो से मूल शब्द के पीछे, देखो यहाँ पे भी नोना लगाना है, नोना नोना लगाए, मूल शब्द के पीछे ए लगाना है यदि द्विबंध दो या दो से ज्यादा हो तो ए आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पेंटा कर ही दिया, ठीक है। अच्छा बच्चों एक लास्ट बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, इनके कुछ सामान्य नाम भी हैं। ये जो क्रियात्मक, ये जो प्रतिस्थापी लिखे ना, इस प्रतिस्थापी का सामान्य नाम भी होता है बेटा, इस प्रतिस्थापी का सामान्य नाम होता है बेटा विनाइल। क्या होता है इस प्रतिस्थापी का सामान्य नाम? विनाइल। इसको हम विनाइल बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं विनाइल बोलते हैं। क्या बोले? विनाइल। सबके सामान्य नाम नहीं है लेकिन कुछ के सामान्य नाम है, मैं बताता हूं। इसको हम विनाइल बोलते हैं। इस वाले को हम अलाइल बोलते हैं बेटा, इसका सामान्य नाम है एलील या अलाइल, एलील, एलील समूह। इसका सामान्य नाम है एलील। इसका सामान्य नाम है प्रोपार्जिल, इसको सामान्य कहा बोलते हैं प्रोपार्जिल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्रोपार्जिल, ठीक है, प्रोपार्जिल। बस ये ध्यान रखना आपको। चलिए तो ये आपका होमवर्क है आज का, ये मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। अब आते हैं क्विज पर। चलिए अच्छी खासी लंबी क्लास हुई हमारी। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द्विबंध के लिए उपयोग में आने वाला अनुलग्न है, बताइए। छोटा क्वेश्चन है, कर लिया होगा। यदि द्विबंध तथा त्रिबंध दोनों समान स्थान पर हो तो अंकन के दौरान किसे वरीयता दी जाती है? डेफिनेटली कर लिए होंगे। द्विबंध के लिए उपयोग में आने वाला अनुलग्न एंड, और द्विबंध और त्रिबंध में से किसको प्रायोरिटी देते हो नंबरिंग के दौरान? द्विबंध। आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? आज बहुबंधु से युक्त यौगिकों के नामकरण पढ़े। ठीक है, चलो पैनल भी आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में हम क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। अभी हम ये टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, डेफिनेटली मैं आपको अगली क्लास में ये जरूर पढ़ाऊंगा। चलिए तो आज के लिए